अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ़ दी डार्ट प्रोग्रामिंग कोर्स। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपनी स्क्रीन पर पहला जो कीवर्ड है वो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डार्ट। अब देखें, परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट न्यू डार्ट पैड बनाया है, डार्ट पैड डॉट डेव, जो हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जिस पे हम प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, वो मैंने ओपन कर ली है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इस सारे कोड को डिलीट कर देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ से सारा डिलीट कर देते हैं ताकि हम स्टार्ट से इसको कर सकें। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये लिखूँगा कि मुझे कोई एंट्री पॉइंट देना पड़ेगा जहाँ से मेरा जो डार्ट का प्रोग्राम रन होगा, तो हमें बताना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को कि ये हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। और हर प्रोग्रामिंग, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पिक करेंगे, मोस्टली सब में एंट्री पॉइंट्स डिफाइन किए जाते हैं। अगर हम डार्ट की बात करें तो हमारे पास मेन फंक्शन जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है, मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है जब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर हम वेबसाइट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें एंट्री पॉइंट देना पड़ता है कि जब हमारी वेबसाइट विजिट होगी तो कौन सी फाइल लोड होगी, राइट? सो इन डार्ट प्रोग्रामिंग व्हाट वी डू इज़ वी डिफाइन द मेन फंक्शन। सो आई विल राइट वॉइड, ये बाय द वे ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ आ भी जाएगा। वॉइड के बाद मैं मेन लिखूंगा और मेन के बाद मुझे दो पैरेंथेसिस पुट करनी पड़ेंगी, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके? एंड देन आफ्टर दिस आई विल हैव टू पुट ये कर्ली ब्रेसिस, इनको हम कर्ली ब्रेसिस बोलते हैं, ये जो हमने एंड पे पुट की हैं। और ये जो हमारे पास ये वाली जो पैरेंथेसिस है, इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, जस्ट आपने याद रख लेना है। और याद रखिए कि void जो है वो आपका लोअर केस में लिखा गया है, तो लोअर केस में ही होना चाहिए। उसके बाद स्पेस आ रही है, उसके बाद मेन आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास ये सारे पैरेंथेसिस वगैरह शो हो रहे हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ये जो ओवरऑल हमने ये डिफाइन किया है ना, ये कोड लिखा है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं, आपने इस लफ्ज़ से भी नहीं घबराना, ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा, बट द पॉइंट इज़ दिस इज़ कॉल्ड ए फंक्शन। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो कोड है जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। और यहाँ पर जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है डार्ट प्रोग्रामिंग के कोर्स का, और उसमें हम बहुत ही सिंपल सब काम करने वाले हैं, और वो ये है कि हम एक सिंपल सा मैसेज शो करवाने वाले हैं राइट साइड पर। ये हमारा आउटपुट वाला एरिया है, कॉन्सोल एरिया है, यहाँ पर हम सिंपली एक मैसेज शो करवाना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर हम यहाँ पर प्रिंट के बाद हर फंक्शन जब हम कॉल करते हैं फंक्शन, तो फिर भी हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हम पैरेंथेसिस दोबारा से पुट करेंगे, और इसके बीच में कोई भी मैसेज आप लिख दें, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, तो वो आउटपुट आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे आ जाएगी। अभी इधर जो मैं आउटपुट लिखने वाला हूँ वो मैं लिखने वाला हूँ हेलो वर्ल्ड। लेट्स से मैं, मेरा दिल किया कि मैंने ये लिखना है तो मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद एक बात याद रखिएगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं डार्ट के अंदर हमें उनके एंड पर सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। सो दिस इज़ वन स्टेटमेंट, और ये एक स्टेटमेंट जब हमने कंप्लीट किया है हमने इंडिकेट किया है किसके साथ, सेमी कॉलन के साथ। सो दिस इज़ द बेसिक रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर जब भी हमने डार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है। सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन रन बटन देन इट विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड शो द आउटपुट ऑन द राइट साइड, होपफुली। लेट्स वेट फॉर दिस, लेट्स वेट। ओके, सो फॉर सम रीजन इट डिड नॉट शो द आउटपुट। ओके, दिस टाइम इट्स शोन द आउटपुट। डोंट वरी, अगर आपके पास भी ऐसा हो तो आपने एरर वाला एरिया देखना है, यहाँ पर आपके पास एरर भी आ जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। अगर नहीं है तो आपने राइट साइड पर इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब आप ये करें कि लेट्स सपोज हम कोई और मैसेज शो करवाना चाहते हैं, ये भी विजिबल रहे मगर कोई और मैसेज भी दिखाना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट करेंगे लाइन नंबर 3 के ऊपर, हम अपनी कोई और स्टेटमेंट प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं। सो मैं लिखूंगा प्रिंट, अगेन रूल वही है, पैरेंथेसिस पुट करूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डबल कोट्स में कोई मैसेज लिख दूंगा। सो मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ, लर्न विद शजील। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि
ताकि फिर मेरी भी मोटिवेशन जो है ना आप लोगों के साथ बनी रहे, आप लोगों को फ्री में सिखाने की। तो मैं यहाँ पर दोबारा से रन करूँगा एंड देन नाउ सी कि पहले हमारा मैसेज जो है वो हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, और राइट साइड पर दूसरा मैसेज जो हमें शो हो रहा है दैट इज़ लर्न विद शजील, दैट्स नाइस। अच्छा अब हम ये करते हैं कि हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर, बाय द वे हम मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है बेसिक प्लस माइनस जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है ये हम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज 15 प्लस 13, तो वी विल होपफुली सी दी आउटपुट ऑन द राइट साइड। सो नाउ आवर आउटपुट इज 45, सो इट विल सम द नंबर्स देन इट विल सेंड इट टू द प्रिंट फंक्शन। और ये जो प्रिंट फंक्शन है वो हमारे पास बहुत ही सिंपल काम यहाँ पर ये कर रहा है कि जो भी इसे स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो उनको परफॉर्म करें। और बाय द वे अगर आप कोई रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे, मतलब जिसकी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है या फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग को, ये जो मैसेज हमारे पास है ये टेक्स्ट फॉर्म में है और ये नंबर्स हैं, ऑब्वियसली हम टेक्स्ट को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50 एंड देन आई विल कॉल 50 प्लस 30। नाउ दिस दिस कैन वर्क बट द थिंग इज़ कि ये इस तरह से सम नहीं करेगा, 50 प्लस 30 53 नहीं दिखाएगा, ये हमारे पास कुछ और दिखाएगा। बट यहाँ पर राइट साइड पर देखेंगे हमारे पास पॉपअप में मैसेज जो है वो एरर की फॉर्म में भी दिखा रहा है और इन्फो भी दे रहा है। द लाइन नंबर 5 द आर्ग्यूमेंट टाइप इंटीजर कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। वो कह रहा है भाई मैं इसको ज्वाइन कैसे करूँ, एरर भी दे रहा है। सो यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे, सो नाउ वी आर गेटिंग द एरर ए वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर, ये वाला जो नंबर हम ज्वाइन करने वाले थे वो इंटीजर टाइप का है, और ये जो हम जिसमें सम कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है स्ट्रिंग वैल्यू। सो वी कैन नॉट डू दैट, दिस इज़ समथिंग कॉल्ड डेटा टाइप्स, और इनके बारे में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को बहुत ही तफसील के साथ सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल में ये वाला कोर्स बनाऊँगा। किसी को भी आप में से प्रोग्रामिंग सीखनी है आपकी फैमिली में से, उसके साथ आप ज़रूर शेयर कर दें। इवन अगर वो मैट्रिक में भी है, इंटरमीडिएट में है, वो प्रोग्रामिंग सीख सकता है। मैं उर्दू में बड़ी आसान अल्फाज में ये प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच, एंड आज के लेक्चर में इतना ही। आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, जाहिर है जो लोग एडवांस्ड हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो इसको शायद ना करेंगे, मगर ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी अभी इंटर हुए हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक फाइनेंस से है, हमारा ताल्लुक किसी और फील्ड से है, क्या हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, प्लीज़ इसको ट्राई करें। जस्ट 3 मैसेज आप यहाँ पर इस तरह से प्रिंट करवा लें, सेम एज इट इज़ बेसिक करवा लें, मगर अपने हाथों से खुद करवाएं तो आपको पता चलेगा। बाय द वे ये स्टार्ट में जो स्पेस है ना, ये ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, बट वो ये है कि फॉर्मेटेड कोड ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट में टैब ऐड की हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।